में, लेकिन इस बीच स्नेहा सेठ भी मेरे साथ है। स्नेहा, आपका व्यू क्या निफ्टी पर? नमस्ते। अगर आप निफ्टी देखेंगे, लास्ट वीक हमने 10,700 प्लस करेक्शन देखा, हालांकि ये करेक्शन में कोई मेजर पोजिशन ही नहीं बने, ना तो मेजर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ना तो फ्रेश शॉर्ट पोजिशन बने। तो 10,630 का जो रेजिस्टेंस था पहले, वो अभी सपोर्ट एक्ट कर रहा है निफ्टी को। और अगर आप देखेंगे आज 10,600 की पुट भी काफी एक्टिव है, वहां पे हम राइटिंग देख रहे हैं, यहाँ से अपसाइड मूव का चांसेस काफी ज्यादा है। तो ट्रेडर्स को सलाह देंगे कि वो 10,700 की कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करें, ठीक है, विद टारगेट ऑफ 178 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 105। ठीक है, ये 10,700 वाली कॉल है ना? यस। अभी तो इसका प्राइस करीब 135 हो गया स्नेहा, 137 हो गया इनफैक्ट, तो 125 में ले, ये लेवल से भी ले सकते हैं, ले सकते ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो 135, 125 के ना एक ब्रैकेट बना लीजिए। आप अगर चार लॉट लेना चाहते हैं, दो ले लीजिए, दो बाद में भी ले सकते हैं आप। स्टॉप लॉस रिमेंस द सेम, वो 105 का ही रहेगा आपका, और टारगेट रिमेंस द सेम, 178 से 180 आप रख लीजिएगा। 175 भी बेच देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अपना कंफर्ट होता है। प्रॉफिट में तो कंफर्ट दिखा जाता है, स्टॉप लॉस में हाँ लेवल्स देखे जाते हैं कि आपको इससे ज्यादा लॉस ना हो जाए। प्रॉफिट तो अपना ही होता है, आपको लगे कि हाँ मेरे को इतना सफिशियंट है तो आ जाइए बाहर। आपको लगता है कि नहीं रुकना चाहिए, अभी टारगेट ऊपर है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, दो लॉट काट दें, दो लॉट रख भी लेंगे। तो स्नेहा की रिकमेंडेशन, आपको सीधा निफ्टी पे ट्रेड करनी नहीं है, ऑप्शंस में उतर आएंगे तब भी ठीक है। 10,700 एक्चुअली होगा कि ऑप्शन वालों को थोड़ा सा स्लो मोमेंटम मिलेगा, निफ्टी वालों को तेज मिलेगा, बट जोखिम भी उतना ही है। इसलिए आप चाहें तो इसमें ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कीजिए, 125 से 135 तक की रेंज में अभी मिल जाएगा। 135 137 में डालेंगे सौदे में तो आपको हो सकता है दे जाए, 137 के खड़े हैं यहाँ पे बायर और सेलर काफी, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी पे ऑप्शंस का ट्रेड। अब स्नेहा मेरे को ये बताइए, आपका सौदा कौन सा है, आप कैश का या माफ कीजिए फ्यूचर्स का शेयर कौन सा दे रहे हैं आप? टॉप स्पेसिफिकली हमें एसबीआई काफी अच्छा है, आप देख रहे हैं कि बैंगलोर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें से एसबीआई देखने तो काफी अच्छे सपोर्ट से वो रिवर्स दे रहा है। हाँ। काफी अच्छे शॉर्ट पोजिशन थे लास्ट इनिंग में जो रोल हुए थे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग वैल्यू आ सकती है इसमें, जिसके कारण स्टॉक अराउंड 260-265 के लेवल तक आ सकता है। तो आप करंट लेवल से उसे बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 237। ठीक है, 237 का एक स्टॉप लॉस हो जाएगा और 260 का टारगेट है। ठीक है, ये 50 के ऊपर शायद ज्यादा तेज चले, क्योंकि 50 थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और थोड़ा मेक ब्रेक लेवल भी है, इसके नीचे रहता है तो कई बार 42-41 तक डिप कर जाता है, लेकिन एक दो दिन से इसमें अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी जब हम डाटा देख रहे थे बैंक निफ्टी का, तो कुछ मिड कैप बैंकिंग में, फ्रंटलाइन बैंकिंग में एसबीआई था जिसमें सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ था। आज शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि इसमें ताजा खरीदारी है, वो ज्यादा कन्विक्शन दिखाती है, ज्यादा मजबूती दिखाती है, इसलिए शायद 260 का टारगेट होगा। शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा रुकने जाना चाहिए, एक बार बैंकिंग में तो कम से कम रुक जाना चाहिए। 237 का स्टॉप लॉस है। स्नेहा शुक्रिया आपका, जय आपका।